नमस्कार, आप देख रहे हैं namofarmedia.com। आपको बता दें कि झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। मेडिकल कॉलेज में पति के साथ आंखों का परीक्षण कराने गई झांसी महिला थाना प्रभारी के साथ जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की और फिर उन्हें बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही नवाबाद थाने की पुलिस समेत उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला थाना प्रभारी को मुक्त कराया। बताते चले कि महिला थाना प्रभारी छुट्टी से वापस झांसी आई थी। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि आज वह बिना वर्दी के अपने पति के साथ आंखों का परीक्षण कराने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज गई थी, जहां पर्चा बनने के बाद वे परीक्षण कराते हुए ओपीडी में चली गई। महिला थाना प्रभारी का आरोप है कि इसी दौरान बेटे को स्कूल से लेने के लिए उनके पति चले गए। वह अकेले ओपीडी कक्ष में खाली कुर्सी पर बैठ गई। ये बात वहां मौजूद जूनियर डॉक्टरों को रास नहीं आई। उन्होंने बदतमीजी करते हुए उन्हें कुर्सी से उठा दिया। वह शांत रही लेकिन जूनियर डॉक्टर अभद्रता करते हुए चले गए। इसी दौरान उनके पति वापस आ गए। ये देख उन्होंने अपना पर्चा लेते हुए परीक्षण कराने से इनकार करते हुए घर चलने के लिए कहा। बस फिर क्या था, जूनियर डॉक्टर ने उनके साथ मारपीट भी कर दी। ये देख जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई और बाहर निकालने से रोक दिया। किसी प्रकार उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना नवाबाद प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। किसी भी बात को नहीं हुआ, मैं सिर्फ कुर्सी पर जाके बैठी हूँ और उतने में ही उनकी जो थी डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर थी, वो अभद्रता करने लगी। कैसे कुर्सी पे बैठ रही आपको, आपको तमीज नहीं है, उठिए पहले तो कुर्सी पर। फिर उठ के खड़ी हो, फिर भी वो बोले जा रही बदतमीजी करे जा रही। फिर एक जूनियर डॉक्टर निकला, वो बदतमीजी करने लगा। हाँ, जेंट्स डॉक्टर, चार पाँच डॉक्टर थे। आप निकलने की कोशिश नहीं की आपने, हम निकले हैं, ये लोग खेलिए। हाँ, निकलने की कोशिश की हमने, निकल आए, फिर जो निकलने नहीं दिया तो गैर भी मैंने कंट्रोल रूम को फोन किया। जी, कंट्रोल रूम को मैंने फोन किया, तब मेरे अधिकारी पहुंचे सर। तो फिर बाहर आई आप? हाँ। तो क्या मांग थी डॉक्टरों की, बता दे दी है, क्या मांग थी? दादागिरी यही और क्या है। इस पे कुछ कार्रवाई वगैरह की लिख के आपने दिया? दे रहे। अच्छा, वहाँ पे जो वो डॉक्टर लोग, जूनियर लोग, आपने पर्चे नहीं दिया? नहीं, वो पर्चे देने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया, उन्होंने बोलना ही नहीं दिया। क्या करने लगे? हाथापाई मारपीट करने लगे। कुछ उनके हाथ में मारा, उन्होंने हाथों से मारा आपको, क्या उनसे कुछ? हाथ से ही मार रहे, कपड़ा वगैरह मारे, चेहरे पे हाथ मारा, छाती पे हाथ मारा। जो जूनियर डॉक्टर था उसका मुझे नाम नहीं पता। तो सीसीटीवी पता लगा? हाँ, सीसीटीवी लगे, उसमें सीसीटीवी से पता चल जाएगा। नहीं निकलवाया आपने वो? अभी नहीं निकलवाया, मैंने नहीं निकलवाया, नवाबाद का रहेगा। आपने इसकी सूचना बड़े अफसरों को दी है? कंट्रोल रूम को दी। नहीं, अभी आईजी साहब या अभी नहीं। क्या कार्रवाई क्या चाहती हैं आप? कार्रवाई चाहती हूँ। किस तरह की कार्रवाई होती होगी? होती होगी। नहीं बताया जा रहा हूँ, डॉक्टरों से बदतमीजी की मारपीट की, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई इसमें हुई? आज महिला थानाध्यक्ष अपने परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज में अपनी आग दिखाने के लिए गई थी, ऐसा ज्ञात हुआ है। और वहाँ पर सिविल ड्रेस में थी, सीट पर बैठी थी, सीट पर बैठने को लेकर के वहाँ किसी महिला चिकित्सक से विवाद हुआ है। जानकारी प्राप्त हुई है तो उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र, इसमें तहरीर दी गई है, उसमें अभियोग पंजीकृत कर और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।